मैं जो बात शुरू करना चाहता हूँ इज़ व माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी क्योंकि आप सब उस पर लिख चुके हैं आप सब उसके बारे में बता चुके हैं थ्रू वेरियस चैनल्स वेदर इज आर स्टेबल एक्सचेंज रेट ओवर मोर दैन अयर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व विच आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई टू मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर और अब जो आई का एडिशनल बिलियन डॉलर अब आ चुका है उससे उसमें बेहतरी और भी आई है ट्वेंट uh, डेफिसिट्स और उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इट्स नॉट ओनली अबाउट द लास्ट फिस्कल ईयर बट आपने अगस्त का भी नंबर देखा है विच इज़ अ सर प्लस सो दिस इज़ ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रिमिटेंस एंड एक्सपोर्ट फ्लोज और एक्सपोर्ट में जो अच्छी बात है कि हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं अगर जो ट्वेंटी नाइन परसेंट इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत ही एक uh, अच्छी डेवलपमेंट है नाउ दिस इज़ ऑल ऑन द बैक और मैं इन्फ्लेशन पे uh, और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर मैं वापस आऊँगा कि जहाँ से हमने uh, ये जर्नी टू अ सर्टेन एक्सटेंट शुरू की थी एट थर्टी एट परसेंट एंड नाउ गेटिंग इन टू अंगल डिजिट एंड उसके बाद इसकी फर्दर डाउनवर्ड ट्रिजेक्ट्री एंड वॉट इट मीन्स फॉर आस इन द कंट्री अच्छा यही अब सारा कुछ हुआ ऑन द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द स्टैंड बाई एग्रीमेंट और उसमें uh, मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं दोबारा कहूँगा कि दिस वॉज डन अंडर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लीडरशिप एंड इट वॉज सक्सेसफुली कंक्लूडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लीडरशिप और uh, इसमें जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत role, tha in terms of the rigor and vigor in terms of implementation uh, around uh, this program. main this is age, because this trend in terms of macroeconomic stability has continued into the first quarter of this fiscal year. Aur, uh, uh, and, and therefore, uh, it's important that i come back to that. Ki iska fayda kya hai? देखिए जब आ, स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए मैं गया इन अप्रैल तो उसी वक्त हमने ये बात शुरू की थी कि वाइल वी कंक्लूड द नाइन मंथ एस बी वी आर वेरी इंटरेस्टेड एज अ कंट्री टू गो फॉर ए लार्जर एंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम ये उस वक्त अप्रैल में ये बात शुरू हुई उसके बाद जुलाई में एसिले हुआ उसके बाद आ, पिछले हफ्ते जो आ, हमने आई एम एफ बोर्ड का डिसीजन देखा एंड ऑन द बैक ऑफ दैट of course, the first tranche has already come in. so this, in some sense, is behind us. like in vajjivatana, there is a rational there is a reason why we need to do that. there do main vajivatya, one, to bring permanence to the macroeconomic stability. and i'll come back to that. and the second thing is to execute the structural reforms, which are going to be critical. इफ़ यू आर गोइंग टू हैव दिस एज अ लास्ट प्रोग्राम तो इन दोनों चीज़ों पे मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा बिफोर वी गेट इन टू सेशन। अब ये जो पर्मनेंस की बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ इट्स अ मीन्स टू एन एंड और उसके जो मस्बत अब ऑलरेडी Uh, जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा बिकॉज अब ये एक थियोरी नहीं रही है वी आर प्रैक्टिकली सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो पहले मैं जाऊँगा इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और द फॉरेन एक्सचेंज साइड पे। मैं अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिला यू पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल उसमें कई सेक्टर्स थे उसमें आई वाले थे उसमें uh, फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग थे उसमें एनर्जी के लोग थे अप्रैल में मैं जब वहाँ यूएस बिजनेस काउंसिल को मिला एक बड़ा बुनियादी सवाल ये वो पूछ रहे थे कि हमारी डेढ़ से दो साल से जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स टकअप हैं आप उनके बारे में क्या करेंगे और देखिए फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स दिस इज़ ह्यूज थिंग और आ, पिछले हफ्ते यू नो आई कुड टेल देम के और वो खुद उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मैंने आपको मजबूती के बारे में जिक्र किया है उसके बेसिस पे अगर आप अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो मैं मैं आपकी मेहरबानी होगी बाकी आपकी मर्जी है इसमें अबाउट टू बिलियन डॉलर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स वर रमेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग मे एंड जून तो जब हमने ये नया फिजकल ईयर शुरू किया वी स्टार्टेड विद अ क्लीन स्लेट एंड देर फॉर देर वॉज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन अबाउट देर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स लास्ट वीक वी मेट द फॉरन इन्वेस्टर्स उसके बाद जो क्रेडिट अपग्रेडिंग्स हैं उसमें हम बतदरीज एक अच्छे तरीके से और जो रेटिंग्स हैं उसमें हम आगे लेके गए हैं उसको और इन शाह ती विल कंटिन्यू दिस जर्नी टिल वी गेट इन टू एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड Or at least into a B B minus uh, rating as we go forward. Third thing is the institutional flows, hai, whether it's on the debt side, whether it's on the equity side. This is very important. Hai. Uh, stock exchange. I don't talk about because there are ups and downs, uh, and therefore we have to make sure that the main street is doing well before we talk about the Wall Street and therefore uh, it's good to know, okay, stock exchange, uh, naihade, uh, and we are moving in the right direction. but ultimately, it's about the main street and what happens there, uh, which is going to be important uh, as part of this uh, uh, macroeconomic stability. and it's not only about the institutional flows. क्योंकि इंस्टीट्यूशन फ्लोज आते हैं जाते हैं ऑन द डेट एंड एक्विटी साइड बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और उसमें फ्राम अ बी टू बी परस्पेक्टिव राम को इन टू गो गनवर्ग की जो इन्वेस्टमेंट आई है इसी तरह बी बाई डी की जो इन्वेस्टमेंट आई है दीज आर रियल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेयर इन द कंट्री फ्राम अ बी टू बी परस्पेक्टिव एंड दे फो

बिकॉज उनके जो रेट्स हैं वो काइबोर के साथ मुंसलिक हैं नॉट विद द पॉलिसी रेट जहाँ तक लार्ज कॉपरेट्स हैं वो इन एनी केस आर नाउ बोरिंग काइबोर माइनस तो अगर साढ़े सत्रह परसेंट में पॉलिसी रेट है काइबोर जहाँ भी है सत्रह फ़ीसद आप मेरे से बेहतर जानते हैं और अगर माइनस आ रहा है तो ऑलरेडी वो पंद्रह सोलह फीसद पर जो टॉप कॉपरेट्स हैं वो देर स्टार्टिंग टू बोरोट दैट रेट और uh, इन I am very because both the exchange rate and the policy rate are in the domain of the central bank uh, so we can from the Ministry of Finance perspective only give our views in terms of what our expectations are that as the, as the inflation uh, drops down the policy rate should follow. Now Ministry of Finance kar जैसे आपने देखा तो डोमेस्टिक बॉरिंग पे हमने सब अपनी जो टी बिल्स और पी आई थी सब बेड्स को रिजेक्ट किया और उसके तीन बेसिक मैसेजेस थे नंबर वन जो हमारी फिजिकल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है मैंने करंट अकाउंट की ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बिकॉज रिमिटेंसेज आर एट एन ऑल टाइम हाई एंड देर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स पे बढ़ावा आ रहा है और इवन इन ऑगस्ट वी वेर ऑफ फोर फोर परसेंट ईयर ऑन ईयर और उसमें मैंने आईटी की एक्सपोर्ट का ऑलरेडी जिक्र कर दिया है तो अब अगर आप वापस आएं इनटू टू आर फिजिकल सिचुएशन तो उस पर यह मैसेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट था कि ए वी आर डन नाउ नो डेस्परेशन टू बोरोज अ गवर्नमेंट नंबर टू वेन वी बोरो वील बोरोट आर टर्म्स बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रेंक डाउन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग बिकॉज डेट सर्विसिंग इज़ द लार्जेस्ट कम्पोनेंट इन टर्म्स ऑफ आर एक्सपेंडिचर तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें हमने जो पी आई वी टी बिल ऑप्शन पे जो सिग्नल दिया है और उसके बाद जो बाईबैक प्रोग्राम है आ, उसका भी यू नो you know, हमने पिछले हफ्ते उसका जिक्र कर दिया है एंड दे फो उसमें जो थर्ड मैसेज ये है कि सिंस द गवर्नमेंट इज अंडर नो डेस्परेशन टू बोरो, नाउ फॉर द बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट लैंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज इज द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ टू लीड द कंट्री तो इसलिए आप उनको फाइनेंसिंग दीजिए सो uh, so, ये मैं जो बात करते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और इसका क्या फ़ायदा है इसका लेडीज एंड जेंटलमैन फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये हम एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं अगर ये फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी उस पर हम अपना ता घर तामीर नहीं कर सकेंगे इफ़ यू हैव टू गो टूवर्ड्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इट हैज टू बी ऑन द बैकग्राउंड ऑफ़ द मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी अब अगर आगे चलिए मैंने जिक्र किया कि हम आई एम एफ़ का प्रोग्राम क्यों चाहते थे इन एज अ लॉन्गर एंड लार्जर प्रोग्राम द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स And for us as a country, it's a defining moment. Because this is going to determine the direction of travel. And we are very clear about the direction of travel. Or is kebareme the homegrown economic reform or agenda? We will always consult our think tanks here in the country, and we will always take फ़ॉरन एडवाइस इन टू कंसिडरेशन एज वी गो फॉर्ड इसमें ना ओफेंस की बात है ना डिफेंस की बात है हमें अपने बेस्ट ब्रेंस चाहिए इस मुल्क में जो हमें गाइड कर सकें और इसमें हमें सपोर्ट कर सकें एंड वी वॉन्ट द बेस्ट ब्रेंस आउटसाइड द कंट्री टू हेल्प एंड सपोर्ट आस सो आई विल एवर डिपेंड कि जी हमने क्यों बाहर से हम एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं बिकॉज एक्सपर्ट्स हमें लोकली भी चाहिए और बाहर से भी चाहिए एंड दैट इज़ द बेस ऑफ़ आर होम ग्रोन इकनोमिक एजेंडा अब उसमें कौन सी ऐसी बात है मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि जो आई एम एफ कहता है और जो हमें चाहिए टैक्स टू जी डी पी वी हैव टू गेट इट इन टू ए डबल डिजट फिनना ऑन ए स्ट्रक्चरल बेसिस बिक अदरवाइज इट्स नॉट सस्टेनेबल और उसमें मैं एक मिनट में वापस आऊँगा एक वजह है कि चेयरमैन एफ बिया मेरे साथ बैठे हैं बिकॉज आई विल Talk about it, and if there are any questions and answers in more granular form, he is here to respond to that. The second thing is productivity and competitiveness. Import substitution is not going to be good enough, it is going to be export led, and uh, therefore, we have to get competitive in the committee of nations. I about the energy sector reform. Minister Energy. Power Minister, SAPM, they are taking it forward in terms of uh, uh, what they're doing, in terms of the privatization agenda, in terms of changing the boards, etc. And the next one is SOE reforms. SOE reforms have my own because I chair the Cabinet Committee on SOEs and uh, also chair the uh, Committee on Right Sizing. And I'll be back in a minute. बिकॉज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पब्लिक फाइनेस क्योंकि इतना बड़ा पुशबैक है कि आपने इतने टैक्सेस लगाए हैं आप टैक्सेशन लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है और ये मुनासिब जो है वो पुशबैक है इसके बारे में तो उसमें मैं सिर्फ ये ज़िक्र करूँगा कि काबीना ने सैलरीज नहीं लेने का फ़ैसला किया हमने कोई और चीज़ें नहीं कि लेकिन द रियल थिंग विच इज़ गोइंग टू टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर्स इज़ रिड्यूसिंग दाइज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और वो राइट साइजिंग कमेटी मैं खुद चेयर कर रहा हूँ एंड uh, uh, उसमें uh, पहले भी बात हो चुकी है लेकिन छः मिनिस्ट्रीज जो हैं उसके बारे में न सिर्फ हमने फैसला कर लिए है दोज हैफाइड बाई द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर उसमें से एक जो मिनिस्ट्री है वो बोलिश uh, हो रही है उसमें कई uh, चूँकि गुफ्तगु तो चल रही हैं आई जस्ट वॉन्ट टू बी क्लियर द मिनिस्ट्री विच इज़ बिंग एबॉलिश इज कैपिटल अथॉरिटी सी ए डी डी विच इज़ बिंग एबॉल दो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनको मर्च किया जा रहा है और uh, उसके अलावा हम चूँकि खुद uh, सिर्फ ये मिनिस्ट्रीज़ का ताल्लुक नहीं है वहाँ जो भी डिफरेंट uh, एंटीज़ हैं एफिलियट uh, बॉडीज़ हैं उन सबको हम uh, अच्छी तरह बखूबी उसका जायजा ले रहे हैं इस राइट साइजिंग कमेटी में तो छः मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं बिकॉज़ ऐलान करना अनाउंसमेंट करना एक और बात है लेकिन टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये 2019 में भी ये प्लान एक पेश हुआ था विच नेवर सो लाइट ऑफ द डे बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव इम्प्लीमेंटेशन फॉलो प्लान विच फॉलोज थ्रू तो फिर तो ये बातें रह जाती हैं तो हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे काम कर रहे हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमने ये कहा है कि जो 60 फीसद वेकेंट पोस्ट हैं 60 फीसद वी आई हैव डिसाइडेड विद द कैबिनेट्स अप्रूवल टू अबोलिश देम ये डेढ़ लाख पोजीशंस है डेढ़ लाख पोजिशन हैं जो वेकेंट पोजिशन इनको अबोलिश किया है ये हमारे बजट में थी दिस विल हैव ए रियल इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर एंड द बजट एज वी गो फॉर्वर्ड इसके अलावा अब हम इसको बदतरीज आगे लेके जा रहे हैं छः मिनिस्ट्रीज की बात की अगले पाँच मिनिस्ट्रीज़ को हम अब आगे लेकर आए हैं एंड वी आर टेकिंग दैट डिस्कशन फॉरवर्ड बिकॉज इट हैज टू बी बाइट साइज ताकि ये कोई एक ही दफ़ा आप चालीस मिनिस्ट्रीज़ को ले आएँ एंड देन इट नैवर गोज एनी वे मेरा प्राइवेट सेक्टर का भी ये एक है कि चीज़ के 95 परसेंट ऑफ द स्ट्रेटजी इज एग्जीक्यूशन इफ़ यू कॉन्ट एग्जीक्यूट थिंग्स फिर बाकी सिर्फ ऐलानात रह जाते हैं तो इन हम इसके साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि इसका जो कौमी ख़जाने पर इस पर कितना जो है वो इम्पैक्ट आया है तो नेक्स्ट फाइव मिनिस्ट्रीज़ आर देयर और इसी तरह हम ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर वी विल कंटिन्यू टेक फाइव मिनिस्ट्रीज ए रिटाइंग ताकि बाई द एंड ऑफ दिस फिस्कल फिर वे वेरी वे वे क्लियर वे द फेडरल गवर्नमेंट स्टैंड जो डेवोलूशन वाले सिचुएशन है एटीनथ अमेंडमेंट के बाद वो हम चीज़ें डिवॉल्व कर दें जिसको बंद करना है उसको बंद कर दें और जिन इदारों को हमने रखना भी है उनको हम री इंजीनियर करें ताकि दे बिकम मोर एफिशेंट टू तो डिलीवर फॉर द कंट्री